तो चलिए फिर सेलेरियो की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। अभी कार जो है आइडल कंडीशन में है, तो स्टार्ट करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में फिलहाल कोई वाइब्रेशन नहीं है कार के अंदर, और जैसा कि आप देख सकते हैं हैंडल जो है बिल्कुल साइलेंट है, गियर लीवर में भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, और ये कार ऑटोमेटिक वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अब हम इसको डालेंगे ड्राइव मोड में, ये डाल दिया हमने। अभी कार फर्स्ट गियर में, तो सबसे पहले देखते हैं कि गियर का पता लगता है डलने पे या नहीं लगता। तो हल्का सा बिल्कुल पावर में लैग होता है अगर आप मंदी चला रहे होगे, तो हल्की सी कार दबेगी और उसके बाद गियर चेंज होता है। बाकी कार का जो है केबिन काफी साउंड प्रूफ है, इतनी कोई खास अंदर साउंड नहीं आती है कार के। और अभी दोबारा से पावर में लैग महसूस हुआ, अभी दोबारा पावर, और ये जैसे ही गाड़ी गियर चेंज करती है एकदम पावर में लैग महसूस होता है और उसके बाद गियर शिफ्ट होता है कार का। तो आपको गियर चेंज का कार में पता लगने वाला है। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं कार की विजिबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है, तो चलाने में ट्रैफिक वगैरह में कोई खास दिक्कत नहीं होगी आपको। बाकी इंटीरियर भी कार का काफी अच्छा है। इनिशियल पिकअप की बात करें तो कार थोड़ी सी लेजी फील होती है 2000 आरपीएम से नीचे। तो गियर शिफ्ट का जो है वो हमें पता लगता है कार के अंदर। और बॉडी रोल की बात करें तो बॉडी रोल थोड़ा बहुत है कार के अंदर, इतना कोई खास ज़्यादा नहीं है। और वैगनआर से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम बॉडी रोल मिलता है हमें इसके अंदर। बाकी गियर शिफ्ट का आपको गाड़ी के अंदर पता लगेगा जब आप गाड़ी को चलाओगे। और गियर शिफ्ट जो है वो टाइम टू टाइम होते हैं बिल्कुल, जिस हिसाब से आप पैडल दबाओगे उस हिसाब से गियर शिफ्ट होता रहता है कार के अंदर। बाकी अब इसका एक बार 0 to 60 टेस्ट करके देखते हैं कार कितनी देर में 60 जाएगी और परफॉर्मेंस कैसी है गियर शिफ्ट की 60 जाते हुए। तो अभी कार आइडल कंडीशन में है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गियर शिफ्ट जो हो रहा है गाड़ी के अंदर उसमें पता लग रहा है कि गियर शिफ्ट हो रहा है कार का। और हल्का सा आपको पेडल छोड़ना पड़ेगा उसके बाद गियर शिफ्ट होता है, और कार जो है 60 पहुंच गई है काफ़ी आराम से। तो पिकअप जो है वो कार का काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें सेम K10 वाला और वैगनआर वाला इंजन मिलता है जो वैगनआर के सीरीज में आता है। और ब्रेकिंग की बात करें तो कार की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो अब थोड़ा स्पीड में टर्न लेके देखते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर जो है बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है। और वैगनआर से कंपेयर करेंगे तो वैगनआर और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है बॉडी रोल में। और जो के सीरीज इंजन है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन है मारुति का। तो फ्रेंड्स इतनी ही थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।